रात के लगभग 1 बज चुके हैं। जिंदगी में थोड़ा फन एडवेंचर ना हो तो जिंदगी जिंदगी नहीं लगती, और इस फन और एडवेंचर का तरीका हम ढूंढ लेते हैं मित्रों। हमें कैंपिंग करने नहीं मिला मित्रों, हमें चूल्हा जलाने नहीं मिला, रूम में ही चूल्हा जला, हमने रूम में ही चूल्हा जला लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ मैगी बन रही है। दरअसल कारण ये है कि रात के 12 बजे हम लोगों ने होटल चेक इन किया, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो हमने इस चीज का सदुपयोग कर लिया। आज बहुत ही खूबसूरत मिस्टर विनायक दास जी के हाथों से यहाँ पे मैगी रेडी हो रही है। बेहतरीन सुगंध आ रहा है, भूख लग रहा है। कल सुबह का प्लान ऐसा है कि कल हम निकल जाएंगे, कहीं तो निकलेंगे, अब डेस्टिनेशन नहीं रहेगा। बहुत भी बार है, अपन एक दिन पीछे चल रहे हैं। तो ये दोस्तों मेरा कपड़ा है, ये मैं धो के सुखा दिया हूँ। ये दिस इज कॉल्ड छत्तीसगढ़िया थिंग्स मित्रों, ऐसा क्या है, हम सुखा देते हैं। चलिए चलते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रात के 1 बजे वाली मैगी। बर्तन हमारे पास गंजी है, हम लोग इसमें ही काम चला, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पकाए उसमें खाने। मित्रों देखिए, ये अकेले अकेले यहाँ खाने बैठे हैं, ये ब्रेड बटर खा रहे हैं, और मैंने एक आलू का पराठा ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी। और ऐसा है कि कुछ समय के लिए मैं भूल गया था कि मैं वीडियोस भी बनाता हूँ दोस्तों, तो अभी वापस कैमरा लेके आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आलू के परोठे हैं, ब्रेड है, बटर है, शुगर है, दही है, सब कुछ है मित्रों। और अपन एकदम मतलब अभी वीडियोस वगैरह जो हैं एडिट कर रहे हैं आराम आराम से, वही 10 तो नहीं 11 बजे के आसपास हम इस जगह को छोड़ेंगे। और काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छा देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन। लुधियाना पे हमारे त्रिलोक भी आए हैं, जिनसे अभी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है भाई इतने दूर आए हो, मेरे से मिले बगैर तुम लोग जा नहीं सकते, तो उनसे भी बात किया है अभी अभी मैंने। तो देखते हैं जो भी सीन बनता है, क्योंकि वो 400 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब सुबह अगर अभी अपन 11 बजे स्टार्ट कर रहे हैं तो शाम के 5-6 बजे तक अपन उनके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखते हैं, अगर आगे की जर्नी तय करनी हुई जम्मू तक की तो करेंगे, अदरवाइज फिर हम लुधियाना पे स्टे करेंगे, गाड़ी वगैरह सर्विस करवाएंगे, उसके बाद फिर कल या परसों पर अपन जम्मू एंटर करेंगे। फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। ये है मनसावी विला जहाँ हम रुके थे, अच्छा स्टे था, हालांकि इसे खोजने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। कल रात को हमने 12 बजे चेक इन किया, इस वजह से और दिमाग ख़राब हो गया। होम स्टे था, विला होम स्टे। हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे जम्मू के लिए, जम्मू यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है, 651 किलोमीटर, मतलब रास्ते हो सकते हैं अच्छे होंगे। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं, व्लॉग की शुरुआत के साथ। भाइयों एवं बहनों, देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश व्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। ये है दिल्ली की ट्रैफिक, दिल्ली की ट्रैफिक नहीं कहनी चाहिए मित्रों, ये है हमारा नोएडा। जी हाँ, ग्रेटर आउटर नोएडा कहना चाहिए, ग्रेटर नोएडा का आउटर है जो कि एक्सप्रेस वे पे टच करता है, ये उसकी ट्रैफिक है मित्रों। और क्या बताऊँ, मतलब मैं ना बहुत परेशान हो जाता हूँ ऐसे ट्रैफिक में। और एक तो आप जब ऐसे राइडिंग गियर्स पे होते हैं तो ये सारी चीज़ें ना और भी ज़्यादा इरिटेट करने लग जाती है। हालांकि ये राइड का एक पार्ट है, इसे भी इंजॉय करना चाहिए, और हम बेखूबी इसे इंजॉय करते हैं। फिलहाल अब हम सीधे जा करके चढ़ जाएंगे एक्सप्रेस वे पे। जी हाँ, और अब मिलते हैं सीधे आपको एक्सप्रेस वे पे। दोस्तों फिलहाल हम पहुँच चुके हैं पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे, और ये रास्ता पे हमें जाना है लगभग 82 किलोमीटर, उसके बाद फिर हम सीधे सोनीपत पे ही उतरेंगे, मतलब यहाँ से, उसके बाद वहाँ से स्ट्रेट जाना है लुधियाना होकर के हम आज पठानकोट से होते हुए जम्मू एंटर करेंगे। प्लान है हमारा जम्मू एंटर करने का, बट लेट्स सी कहाँ तक खींच पाते हैं। जम्मू के लिए 10 घंटे का रूट है ये, और 650 किलोमीटर 10 घंटे में ले रहा है, मतलब कि रास्ता अच्छा ही होगा। तो चलिए फिर चलते हैं दोस्तों। लोगों ने लिया था फ्यूल स्टॉप हो गया, मतलब फ्यूलिंग हो गई है, और अब बॉडी में फ्यूलिंग की ज़रूरत है। तो ये हमने लिया हुआ था एक हाइड्रेशन पाउडर, जिसको अभी हम पानी में डालेंगे और इसमें डालेंगे और इसमें डाल के पी लेंगे। देखिए एक बार और से टोल प्लाजा आ चुका है यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर इस टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा गेट बनाया गया है। और आप लोगों से यार बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आपने ग्लव्स क्यों नहीं पहना हुआ है, कल मैंने लेफ्ट हैंड में पहना हुआ था। बहुत खूबसूरत टोल प्लाजा, वाह। राइट हैंड में मैं इसलिए नहीं पहना था क्योंकि मुझे कैमरा ऑपरेट करना था, और मेरा कैमरे का ऊपर जो स्विच है उसके पास जो रबर लगा होता है वो फट गया है, तो
ग्लव्स पहनने के बाद वो दबता नहीं है तो कैमरा ऑन होता नहीं है। इसके अलावा आज मैंने इसलिए नहीं पहना है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, चिपचिप लग रहा है और ये हाथ का तो समझ आ गया आपको, बस इस वजह से इसमें भी नहीं पहना हूँ। चाहूँ तो पहन सकता हूँ बट मैंने कहा ठीक है नहीं पहनते अभी, आगे पहनेंगे। ठीक है, और एक दो भाइयों का कमेंट भी आया था कि आप किस स्पीड से क्रूज़ कर रहे हैं इस पूरे ट्रिप में, तो मैं बता देता हूँ गाइस आपको कि ये जो हम क्रूज़ कर रहे हैं, क्रूजिंग जो हो रही है हमारी, लगभग 90 से 110 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। और रास्ते जो हैं देखिए, अभी बहुत खूबसूरत रास्ते मिले हैं हमको, तभी यहाँ से हमें जाना है जम्मू, और जम्मू पहुँचने तक का जो दूरी हमें दिखा रहा था वो 10 घंटे ही दिखा रहा था सिर्फ इन्हीं रास्तों की वजह से। ये रास्ते जो हैं पूरे ही ऐसे जाते हैं दोस्तों। गाइज ये है अंबाला शहर का आउटर जिस जगह से अभी हम गुजर रहे हैं, और यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर के आसपास हमें और जाना है। और काफ़ी सुंदर है अंबाला शहर, आउटर ही इतना खूबसूरत है तो इनर तो बहुत ही खूबसूरत होगा मित्रों। दोस्तों ये परिणीति चोपड़ा का घर है अंबाला शहर में, मैं आप लोगों को मिलाने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा मित्रों जब मैं आऊँगा तो। परिणीति जी मुझे नहीं जानती होंगी लेकिन मैं जानता हूँ उन्हें, और जिन्हें मैं जानता हूँ वहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ दोस्तों। तो मैं ज़रूर मिलाएगा आप लोगों को। चार सौ किलोमीटर आज हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है, और ठीक है 400 किलोमीटर कोई कम नहीं होता है। तो आज का नाइट स्टे जैसा कि आपको पता ही है लुधियाना है, तो रात का खाना लुधियाना में, सुबह का नाश्ता लुधियाना में, दोपहर का खाना जम्मू में, और रात का खाना वो श्रीनगर में। चलिए दोस्तों ये भी ठीक था। गाइस अभी देख सकते हैं 6:21 हुए हैं और सूरज देवता देखिए कहाँ पे हैं अभी, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे जो है उजाला ऑलमोस्ट 7:45 तक यहाँ पे लाइट रहेगी, जिस हिसाब से ये सनलाइट सूर्य देवता ऊपर की ओर है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। देखते हैं अब हम कब तक पहुँचते हैं और ये सन कब तक रहता है। यहाँ हमें कुछ नया चीज़ देखने मिला, कौन सा फल है भी है ये? हाँ दिखाई दिखाना, आलू 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 बुखारा बोलते हैं, वही है क्या? ओके, रायपुर के बाद से छठवां फ्यूल स्टॉप है और यहाँ से 29 किलोमीटर और जाने हैं हमें, ज़्यादा दूर है नहीं। आपके में 990 में, मेरे में 890। दोस्तों हम ये लुधियाना के अंदर गलियों पे घूम रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं मित्रों। ट्रैफिक नहीं है, इस बात का सुकून है दोस्तों। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं त्रिलोक भैया के यहाँ। जी हाँ, इनसे हम मिले थे बारसूर में, बारसूर के बाद आज लुधियाना में। हाँ मैं अब जब भी स्टेटस फोटो डालते थे इस घर को मैं उसमें ही देखता था मोबाइल पे। बिल्कुल दोस्तों, आप ये जो खूबसूरत सा घर देख रहे हैं उनके ये ओनर हैं। मिले हमारे त्रिलोक भैया से। और ये भाई छत्तीसगढ़ आया, काफी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम कोई गेस्ट आया इतने दूर से। yes. राइडर मिलने के लिए काफी अच्छा लग रहा है। और हम आपको छोटा सा इनके घर का टूर देते हैं। ये सारी जो है मेमोरीज हैं जो इन्होंने ट्रेवल की हैं, उनके साथ में फोटोग्राफ्स हैं, मतलब अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए हुए चीज़ें हैं। अपने इंडिया पे हर जगहों के कुछ ना कुछ यादें ये अपने साथ लेकर के आते हैं। सारे फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे, सब चीज़ लगे हुए हैं देख सकते हैं। और बस्तर भी है यहाँ पे, ये देखिए ये है बस्तर का तुम्बा। जी हाँ बहुत। और ये है इनका रूम। ये देखिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत, मतलब हर जगह का आपने एक याद रखा हुआ है। मैं काफ़ी संभाल के रखता हूँ चीज़ें, ये चीज़ सीखने लायक है हर जगह से, कुछ ना कुछ रहता है।
यस दोस्तों, हमारे साथ क्या होता है, हम कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, अभी तो खैर यूट्यूब में हैं तो हम भी बना ही रहे हैं, कुछ ना कुछ वीडियोस बना के डाल देते हैं, तो वो मेमोरीज का काम करती है। लेकिन ये जो यहाँ पे हम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं अभी आकर के, अब ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ कहाँ नहीं ट्रैवल किए हैं, लेकिन हमारे पास एक फोटोग्राफ्स नहीं है। तो ये बहुत सही आइडिया दिए हो। हमारे अमित भैया से आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं पहले मिल चुका हूँ, मैंने आपको कहीं देखा है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा डिनर है यही है फिलहाल, आज नाइट स्टे है यहाँ पे। कल सुबह 8:30-9 बजे के आसपास हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कहाँ के लिए? जम्मू। हाँ मतलब जहाँ के लिए निकले हैं उसी के रास्ते में जाएंगे। मतलब हम लोग बोलते हैं कि भाई रायपुर से निकले तब से चालू हुए, रायपुर से पहले स्टॉप झांसी होगा, झांसी नहीं हुआ सागर हुआ, दूसरा स्टॉप हम लोग बोले सागर से सीधा सोनीपत होगा, सोनीपत नहीं हुआ वो नोएडा हुआ, तो इस प्रकार का चलते रहता है। दोस्तों आज भी हम यही सोच कर निकले थे कि आज हम जाएंगे सीधे जम्मू। सही है एकदम, मतलब ये मेमोरेबल है। हाँ ये सारी चीजें नहीं मिलती, ये सारी चीजें नहीं मिलती, नए दोस्त मिले और ये मेमोरीज याद हमको ही मनाना है। और भैया लोगों ने लद्दाख का पूरा भारत घूम लिया है इन्होंने। लिया 3-4 बार तो हो गया है, 2009 में किया था पहली बार। ओके, और सच पास 12 बार करते हैं अभी। अच्छा अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो थे आप। नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक फिर से सच पास। सही है सही है। नेक्स्ट टाइम ये उम्मीद करेंगे कि आप हमारे पास आओ, फिर हम आपको घुमाएंगे। तो दोस्तों आज खाने में बन रहा है चिकन, इनके लिए वेज चिकन, वेज चिकन, सांभर आपके लिए, आपके लिए सांभर है जी ने बनाया सांभर। हाँ तो सांभर मेरे लिए क्योंकि मैं एकदम शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो वेज चिकन है ना, वेज चिकन है ना, तो आप खाओ ना वेज चिकन, आपको आपका वेज चिकन बधाई हो सर। चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग जो है हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो बताइए क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक कमेंट, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बटोरिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय लुधियाना, जय अमृतसर। Nice, nice. Yes. Yes.